क्या आपको पता है अमेरिका में एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, जहाँ पे आप फ़ोटो नहीं ले सकते, जहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अगर गलती से आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो आप अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक करते हो तो आप गायब भी हो सकते हो। So hi guys, what's happening? Thank you so much for going to my channel and thank you so much for giving all the love and support. आज की बात बहुत important है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डबल ट्रेड सेंटर 2001 में अटैक हुआ, किस तरीके के conspiracy theories से जुड़े हुए थे और तरह तरह की तमाम तरह की चीज़ें मैंने बताई थी। प्लीज़ इस वीडियो को जाकर देखें जो मेरे आई बटन पे है। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट बात रिलेटेड टू एक ऐसा जगह जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मैन मेड सीक्रेट प्लेस है। आप वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते, आप वहाँ पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आप वहाँ जा नहीं सकते, आप उस जगह को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर एक चिड़िया भी परमाती है तो वहाँ के गवर्नमेंट को पता चल जाता है। आप वहाँ से प्लेन नहीं उड़ा सकते, आप वहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर गलती से आपको वहाँ का डेटा पता चल गया, अगर आपने उसे लीक किया, तो हो सकता है आप गायब भी हो सकते हो। जी मैं आज बात करने जा रहा हूँ एरिया 51 के। एरिया 51 एक ऐसा जगह है, एक डेजर्ट में, बंजर ज़मीन में एक जगह है जो कि लास वेगास से लगभग 120 से 130 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ लास वेगास, और दुनिया का सबसे सीक्रेट प्लेस है इसको कहा जाता है। और यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें इसके बारे में फेमस है। कोई कहता है यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में काम की जाती है, अलग अलग प्लेन्स, अलग अलग एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाए जाते हैं, और अमेरिका जो कि टेक्निकली बहुत डेवलप्ड है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि उनको मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत हेल्प करेंगी उसके ऊपर काम होता है। कोई कहता है कि वहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम होता है। कोई कहता है कि वहाँ पे एलियंस के प्लेन क्रैश हो गए थे, वहाँ एलियंस के बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर रिसर्च होते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। आखिर एरिया 51 में ऐसा है क्या, क्यों इतना फेमस है, वहाँ लाखों लोग क्यों जाना चाहते हैं? पिछले साल एक पिटीशन साइन किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ 200,000 लोग जाना चाहते हैं। आखिर जानना चाहते हैं कि बेसिकली एरिया 51 क्या है और उसका नाम एरिया 51 कैसे पड़ा। ऐसे ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक एरिया 51 के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि एरिया 51 का जो कहानी है वो वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कब हुई है, 1989 में एक आदमी थे जो एरिया 51 में काम करते थे, उन्होंने ये इंटरव्यू देकर तहलका मचा दिया पूरे बाजार में, पूरी दुनिया में, कि उनको एक काम सौंपा गया था। आप सोचो वो काम क्या होगा। वो काम था बेसिकली एलियन टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट करने का। जो स्पेसक्राफ्ट आए थे, जो चीज़ें उनके पास थी, उस टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट करने का। अब आप सोचो, हॉलीवुड मूवीज़ आपने देखे होंगे बहुत सारे, उसमें आपने देखा होगा कि एलियन स्पेसशिप आते हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, उनका स्पीड, उनका टेक्नोलॉजी, उनके गैजेट्स अलग अलग लेवल के होते हैं। अगर वो हमारे पास आ गए तो हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल में US में स्पेस टास्क फोर्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि आने बाद में फ्यूचरिस्टिक चीज़ ट्रंप ने किया, जो कि बाद में हम लोग मूवीज़ में देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ में, कि स्पेस फोर्स है जो कि आने वाले एस्टेरॉयड्स के लिए काम करती है, एलियन अगेंस्ट एलियन फोर्सेज के लिए काम करेगी। ये फिल्मी चीज़ है लेकिन उसके रियलिस्टिक में ट्रंप ने किया। तो बेसिकली एरिया 51 में क्या है, एरिया 51 बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़े ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वहाँ इतना सिक्योरिटी, इतना टॉप सिक्योरिटी है कि वहाँ पे अगर आप एक जानवर भी घुस जाता है उस एरिया में तो वहाँ पे कैप्चर हो जाता है, वहाँ पता चल जाता है, ऑफिशियल्स को पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। सो हाय गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ एरिया 51 से जुड़े कुछ कुछ फास्ट फैक्ट्स। आप जैसे ये देख सकते हो, ये है एरिया 51 का बैक गेट। इतने सारे कैमरा सर्वेलेंस है कि आप यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से बेसिकली एक डेजर्ट के बीच में है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह जो कि लास वेगास से 120 से 130 माइल्स दूर है। ये इतना सिक्योर है कि आप इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़ता है फ्लाई करने के लिए, और ये बहुत हद तक इम्पॉसिबल है आपको परमिशन वहाँ मिलेगा फ्लाई करने के लिए। और ये बेसिकली कहा गया है कि ये नेवल एयरफोर्स का एक पार्ट है जो कि वहाँ पर टेस्टिंग होता है, ट्रेनिंग होती है, और जो ओपन ट्रेनिंग रेंज है ये US एयरफोर्स का।
आज के डेट पे। और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। 38,400 एकड़ लैंड है जो कि पूरी तरीके से, जिसको 1958 में दुनिया से अलग कर लिया गया था, पब्लिक यूज़ से अलग कर लिया गया था। कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, यूएस इंटेलिजेंस जाले, लेकिन ये पूरी तरीके से टॉप क्लासीफाइड एंड टॉप सीक्रेट एयरबेस है वहाँ पर। अब ये एयरबेस है या फिर क्या है, वो बाद की बात है। जैसा मैंने बताया है कि ये एयर लास वेगास से लगभग 120 माइल्स दूर है और ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक और आम गार्ड वहाँ पे रहते हैं। और जैसा मैंने बताया है कि मैं आज इसको अपने टॉपिक में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में सबसे देखा जाए तो बहुत हाई लेवल पे है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट यहाँ बहुत रिसर्च करते हैं इसके ऊपर और अलग 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 वो लोग अपना एविडेंसेस और फैक्ट्स डालते हैं इन सब चीज़ों को सही साबित करने के लिए। एक फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी जो कि 1947 रोजवेल न्यू मैक्सिको में हुई थी। न्यू मैक्सिको इज़ अ स्टेट इन यूएस, जहाँ पे ये बोला गया था कि वहाँ एक फ्लाइंग सॉसर का एक रिमेन्स है, जो कि एक फ्लाइंग सॉसर आया था यूएफओ, और वो वहाँ पे क्रैश लैंड किया था और उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए एक काम सौंपा गया था, जो कि बहुत पॉपुलर केस है वहाँ पर। और ये एक तरह का एक ऐसा केस है जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। एक ऐसा रिसर्च और एक ऐसा पेटिशन एक साल पहले साइन किया गया, जिसमें ये बोला गया था कि वहाँ पे लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ रीज़न क्या है। और एक ऐसा पेटिशन भी साइन किया कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो लोग सीधे बाहर जाकर जाएं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, वहाँ देखने के लिए इतना क्यूरियोसिटी है लोगों में जानने के लिए कि एरिया 51 बेसिकली क्या है। अगर आप इसके टाइमलाइन पे नज़र डालोगे तो टाइमलाइन इतने इतने इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, 1955, 1959, 1961, 1976, 89, 94, 96, बहुत तरह के अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ ये एरिया 51 पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरीके से लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। बहुत सारा रीज़न है एरिया 51 को मिस्टीरियस बनाने के लिए। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे तमाम तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको मिलेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन जो शॉर्ट समरी था मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द फेमस एरिया 51। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं एरिया 51 के। एरिया 51 से रिलेटेड ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे जो पूरी तरीके से आपको शॉक में डाल देंगे। क्या सच में ऐसा होता है, आप सोचोगे, लेकिन कितने सच हैं कितने नहीं ये हमें नहीं पता। एरिया 51 से जुड़े हुए ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इतने सारे, एक टाइमलाइन था जो कि इतना लंबा टाइमलाइन था कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि एरिया 51 को हमेशा न्यूज़ में लाता है। एरिया 51 से बहुत जुड़े हुए बहुत सारे मूवीज़ हैं जो आपने देखे होंगे, और हमें वैसे भी एलियन के ऊपर मूवीज़ वगैरह बहुत पसंद आती हैं, उड़न तस्करी के ऊपर, एलियन अबडक्शन के ऊपर। कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ये भी हैं कि कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको एलियंस ने अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, और उनको फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको वापस अर्थ पे छोड़ा गया था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। अगर यूएस इस चीज़ को छुपा रहा है तो क्या रीज़न है छुपाने का, कौन सी टेक्नोलॉजी पे यूएस काम कर रहा है, हमें और आपको सबको पता है कि यूएस अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न रहता है और अपना डोमिनेंस पूरी दुनिया में कायम करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है। उसकी बातें बाहर ना निकले, उसकी इनसाइड चीज़ें बाहर ना निकले, इसके ऊपर बहुत काम करता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यही होते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखते हैं वो सब चीज़ें, और ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको सुनने को मिलेंगे ना जो आपको पूरी तरीके से शॉक में रख देंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में एलियंस हैं? क्या सच में वहाँ पे एलियंस फ्लाइंग सॉसर है? ये तो क्वेश्चन का जवाब कब तक मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक हम अपने क्यूरियोसिटी को यहीं तक रखते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स थी लेकिन मैंने सोचा कि शॉर्ट समरी वीडियो में आपको बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। और थैंक यू सो मच, इतना ही था आज का वीडियो, इतना ही तक। और थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे कंटेंट को पसंद करने के लिए। प्लीज़ मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। इन द मीन टाइम ऑफ कोरोना वायरस, प्लीज़ बी सेफ एंड प्लीज़ बी हैप्पी। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ऐसे ऐसी मैं सीरीज़ और बनाऊँगा, और भी वीडियोज़ मैं आपके सामने लाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय।